संविधान की जो 96वीं अमेंडमेंट थी रिजर्वेशन की, उसका जो कार्यकाल है 24 जनवरी 2020 को खत्म हो रहा है, तो आप लोगों को ये चेतावनी के रूप में मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरा, आज भी इंडियन एक्सप्रेस ने मेघनाथ देसाई सर, मेघनाथ देसाई जी ने कहा जाता है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है आरएसएस के फेवर में, और भागवत जी ने ये कहा है कि रिजर्वेशन चर्चा होनी चाहिए, तो ये खतरे की घंटी है। इसलिए मैं सिर्फ एक ही उससे बोलना चाहता हूँ कि आरक्षण के विरुद्ध जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो एक ही दिया जाता है, रिजर्वेशन लीड्स टू मेजॉरिटी, इससे क्वालिटी ऑफ वर्क में या चीज़ों की कार्य जिसको कहते हैं कि एफिशिएंसी में बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसके लिए मैं इसी बिंदु पर सिर्फ 2.5 महीना बचा है। हमने एक केस भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में फैकल्टी के लिए, उसमें हमने यही याद रखी थी, वही मैं आप सबके समक्ष भी पेश करना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के राज आने से पहले ये जन जाहिर है कि भारत की जो समुदाय थी पूरे विश्व की समुदाय की 25% से ज़्यादा थी, मतलब भारत एक बहुत ही एफिशिएंट देश था, और एक मिलिट्री भी और अगर देखा जाए सैन्य तौर पर भी बहुत ही मजबूत देश था। लेकिन पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद से जो आज अगर हम देखें ह्यूमन इंडाइसिस पे, जितने भी ह्यूमन इंडाइसिस हैं उस पे हमारा देश कहीं 150, 155, 160 या 200 के ऊपर भी आता है, 200 देश लिस्ट में। और ये बात भी जग जाहिर है कि हमारे देश की 90% गवर्नमेंट पोस्ट पर, प्राइवेट पोस्ट पर, प्राइवेट बिजनेस पर, हर चीज पर कौन लोग काबिज हैं, यानी कि 15% जो लोग हैं वही काबिज हैं इन सब चीज़ों पे। हमारा देश पूरी तरीके से ये 15% चला रहे हैं, और ह्यूमन इंडाइसिस पे अगर देखा जाए तो हम पूरी दुनिया से बहुत पीछे हैं। तब इसमें से साफ जाहिर ये होता है कि ये जो लोग हैं इनकी वजह से हमारा देश जो है बहुत ही इनएफिशिएंट देश है, और ये इसलिए भी है कि जो असली एफिशिएंट लोग हैं 85% उनको देश चलाने से बाहर रखा। तो ये जो आर्गुमेंट दी जाती है कि रिजर्वेशन लीड्स टू मेजॉरिटी, ये एक झूठ है, इसको हमें बहुत मजबूती से अपोज करना चाहिए, और जो भी ये बात कहता है उसको कड़े शब्दों में दबा देना चाहिए, जो हमने आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में दी थी। बस यही बिंदु आपके सामने रखा जाता है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।